वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ पीटी। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। व्हाट इज दैट इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर? तो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है वो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है फरीदाबाद हरियाणा। इसको कहीं देख लो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन बायोलॉजिकल सेंटर? इट्स हैज इनॉग्रेटेड इन राजस्थान, सो इट विल बिकम। ठीक है, तो ये एमसीक्यू रेडी रखो अपना, कल को पूछ ले तो वी आर रेडी कि हाँ ये हमारी पीटी में था, हम बताएंगे इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अबाउट आईबीडीसी, क्या है आईबीडीसी? फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इन इंडिया, जहाँ पे लाइफ साइंस डेटा अपन को मिलेगा। एज पर द बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस रिलीज लेटर ईयर, आईबीडीसी इज मैंडेटेड टू अचीव ऑल लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया। जितने भी हमने लाइफ साइंस डेटा है ना जनरेट किया है पब्लिकली फंडेड, जो भी पब्लिकली ने पब्लिक लोगों ने फंड किया है, मतलब जो भी उन्होंने दिया है दान के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आएंगे। क्या ऑब्जेक्टिव क्या है सेंटर का, पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। प्रोवाइड आईटी प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग बायोलॉजिकल डेटा। आईटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जो भी हमें बायोलॉजिकल डेटा चाहिए, कुछ भी हमारे तरीके का डेटा चाहिए तो उसके लिए टेक्नोलॉजी जो भी चाहिएगी वो प्रोवाइड करेगा। डेवलपमेंट ऑफ एसओपीज फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा, एसओपीज बनाएगा जिससे डेटा जहाँ पे रखा जा सके। ऑर्गेनाइज करेगा, ट्रेनिंग करेगा जो भी बिग डेटा एनालिसिस और ये सब, जो भी इतना सारा डेटा आएगा उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो बिग डेटा एनालिटिक्स करेगा। वेब बेस्ड टूल्स को यूज करेगा डेटा शेयरिंग के लिए और परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल, कि जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल डेटा आ रहा है ना जो भी, वो एक परफेक्ट क्वालिटी का होगा। तो एक तरह से सारा जो काम है वो जो है ये करेगा। अब ये इस्टेब्लिश कहाँ हो रहा है? रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में, किसके कोलैबोरेशन से? एनआईसी के, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कोलैबोरेशन से ये बन रहा है। स्टोरेज क्या है इसका? डिजिटलाइज डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन 4 पेटाबाइट सुपर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है उसके अंदर जितना भी डेटा आएगा बायोलॉजिकल डेटा उसके अंदर ये स्टोर किया जाएगा। कौन सपोर्ट कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब डेटा शेयरिंग एज पर FAIR, फाइंडेबल एसेसिबल इंटरऑपरेबल एंड रियूजेबल प्रिंसिपल, फेयर डेटा प्रिंसिपल जो है वो प्रपोज किए गए हैं कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द रियूजेबिलिटी ऑफ डिजिटल एसेट। Also contains genomic sequenced by the, also ये और भी जो भी हमारे जितने भी हमने जीनोम सीक्वेंस किए हैं, जैसे अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमने अपना जो कोविड वाला जो वायरस का जो म्यूटेशन था उसको हमने सीक्वेंस करने की कोशिश करी है। तो जो इस टाइप के जितने भी डेटा होंगे ना, सब ये जो है हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, सेंटर, बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ये सारा स्टोर करेगा। अंडर आईबीसी देयर दो सेक्शन होंगे, इसके अंदर दो सेक्शन बनाए जाएंगे, एक तो इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्चीव और एक इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा अचीव। इसके अंदर सारे एक्सेस होगा, कंट्रोल्ड एक्सेस होगा, और ये क्या करेगा, जो भी डेटा जनरेटेड हुआ है पब्लिकली के द्वारा उसको आर्चीव करेगा। जैसे कि अपन व्हाट्सएप पे जाते हैं ना, व्हाट्सएप पे ऊपर आता है एक आर्चीव कॉन्टेक्ट, आर्चीव टेक्स्ट, तो उस तरीके का काम करेगा, संभाल के अंदर अपने पास में रखेगा इसको। ठीक है, तो पास में रखने का काम ये करेगा और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्चीव। तो ये दोनों इसके दो सेक्शन हो गए। डेटा एक्सेस टाइप क्या, एक्सेस टाइप ऑफ आईडीपीसी, एक तरीके से ओपन एक्सेस मिलेगा। कोई भी किसी टाइप का बायोलॉजिकल डेटा अगर जानना चाह रहा है या कुछ समझना चाह रहा है बायोलॉजी के बारे में, तो वो यहाँ से जाके एक्सेस कर सकता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था बायोटेक प्राइड, कहाँ गया बायोटेक प्राइड, हमें ऊपर पढ़ा था शायद कि बायोटेक गाइडलाइंस निकाली है। अब ये तो बता दिए गाइडलाइंस निकाली है, बट ये बायोटेक प्राइड ही है, ये तो जाने पहले। ठीक है, तो बायोटेक प्राइड क्या है? बायोटेक प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज गाइडलाइंस 2021 है। किसने रिलीज की है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिलीज करी है। ये गाइडलाइंस जो है इनेबल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रमोट, ये प्रमोट करेगी रिसर्च एंड इनोवेशन इन डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेगी, बस इतना जान लो। और जितने भी बायोलॉजिकल डेटा के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, सबके सब के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। अब अपन टर्म को समझते हैं, कौन से टर्म? बायोलॉजिकल डेटा मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म,
चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे प्रोटीन सीक्वेंस हो, मेटाबोलाइट्स हो, कुछ भी हो, बायोलॉजी के बारे में, कोई भी वायरस के बारे में है, कैसे वो म्यूटेशन कैसे करता है, तो वो सारा क्या होगा, बायोलॉजिकल डेटा होगा जो कि ये सेंटर है वो अवेलेबल कराएगा पूरी जनता को। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, क्या इंपॉर्टेंस क्या होगी इस सेंटर की, एड मॉडर्न रिसर्च। अगर आपको कोई भी रिसर्च करना है तो कोई भी रिसर्च अगर होगी तो डायरेक्ट यहाँ से इंफॉर्मेशन, एक ऑथेंटिक डेटा आपको कहीं से मिलने की चांसेस पूरे रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग एंड एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, और जो टीबी है उसको बहुत हद तक हम समझ पाएंगे कि अच्छा कैसे चल रहा है, पूरा बिग क्योंकि पूरा बिग डेटा एनालिटिक्स चलेगा वहाँ के, वहाँ उस सेंटर में। इंश्योरिंग डेटा अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, स्टडिंग जूनोटिक डिजीजेस कौन सी, मतलब कुछ भी तरीके की बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, सब कुछ उससे स्टडी की जा सकेगी। इसी के रिलेटेड न्यूज़ है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया है जीन बैंक प्रोजेक्ट। क्या है ये जीन बैंक प्रोजेक्ट, एक तरह से बायो डिपॉजिटरी है जहाँ पे ये लोग प्लांट्स को प्रिजर्व करेंगे और एनिमल्स को प्रिजर्व करेंगे और उसके बारे में उसको जानेंगे, उनकी जीन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और नेशनल लेवल भी कुछ फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की गई है, जैसे नेशनल जीन बैंक बनाया गया है, ठीक है, नेशनल बिंग जीन बैंक एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा। पूसा कहाँ पर है ये, कुछ मान लो दिल्ली के आसपास का एरिया है, थोड़ा यूपी वाला, वहाँ पर ये पड़ता है, वहाँ पे बनाया गया है। ये चीज़ तो याद कर लो कहाँ पर है, कभी भी कोई भी चीज़ डायरेक्टली पूछी जा सकती है, टफ है, लेकिन जितना कोशिश हम याद करने के लिए कर सकते हैं हम करेंगे उसको, ठीक है। नेशनल एनिमल जीन बैंक एट नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज कर्नल, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, आप बताइए अगर किसी को पता है तो कहाँ पर है ये। इंडियन सीड वॉल्ट एट जांगला लद्दाख के अंदर, तो ये कुछ नेशनल लेवल पे कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, हो फाइनली बायोटेक्नोलॉजी हमारा खत्म होने वाला है, इसके ऊपर दो वीडियोस बन चुकी है और ये वीडियो चल रही है। ओके, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल क्या है ये, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसने डेवलप किया है ये, क्या ट्रैक करेगा रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर द रिसर्च प्रपोजल ऑन अ सिंगल पोर्टल। बायो आरआरएपी क्या है, ये प्रोवाइड करेगा एक सिंगल रूट टू डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू रेगुलेटरी एजेंसीज प्रोवाइडिंग रिक्विजिट अप्रूवल रिलेवेंट टू बायोलॉजिकल रिसर्च। ये डायरेक्ट करेगा कि आप कहाँ पर जाओगे जहाँ पे आप इस रिसर्च का आपको अपना आपका जो जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा। एक तरीके से जो भी आपको बायोलॉजिकल रिसर्च करनी है ना उसको, मान लो एक मैं हूँ, मेरे को वायरस के बारे में जानना है, तो ये डायरेक्ट करेगा कि चलो आप ना इस चीज के पास चले जाओ, इस संस्था के पास चले जाओ और आपको जानने को मिल जाएगा, ऐसे करेगा। तो ये बायो आरआरएपी जो है आईडी जनरेटेड थ्रू दिस पोर्टल इज लिंक्ड विद द पोर्टल ऑफ वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज, और क्योंकि इसकी जो आईडी होगी ना वो बहुत सारे पोर्टल्स के साथ रजिस्टर्ड रहेगी। दिस विल प्रोवाइड मोर क्रेडिबिलिटी टू सच बायोलॉजिकल रिसर्च एंड विल स्ट्रेंथन इंटर डिपार्टमेंटल सिनर्जी एंड इंक्रीज एफिकेसी इन फंक्शनिंग ऑफ एजेंसीज रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। जो भी बायोलॉजिकल रिसर्च है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी जो भी है और कैसे बायोलॉजिकल रिसर्च उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसके अंदर एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो उसके अंदर भी ये हेल्प करने की कोशिश करेगा। मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है, साइंटिस्ट हैव बिल्ट अ मॉलिक्यूलर स्केल मॉडल यूजिंग डीएनए ओरिगमो मेथड। तो एक साइंटिस्ट ने एक मॉलिक्यूलर स्केलर मॉडल बनाई है किस यूज करके, डीएनए और गैमी मेथड को यूज करके एक मॉडल बनाई है जिसके अंदर क्या है इंक्लूड है, जो हमारा डीएनए है ना, हमारा जो डीएनए का फोल्डिंग उसके अंदर इंक्लूड है, जिससे हम 2 या 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। नए जो एकदम छोटे लेवल पर 2 या 3D कुछ ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे, क्या होगा ये, आर द क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट ड्राइव सेल्यूलर मूवमेंट बाय कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी, जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे मिटोसिस होता है। मिटोसिस पता है ना कि एक सेल है उससे 2 सेल निकलते हैं, तो ये जो मिटोसिस होता है कैसे, तो कुछ हम मतलब हमारी जो इंटरनल लेवल पे चीजें क्या चल रही है वो हम जान पाएंगे मॉलिक्यूलर मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मॉडल एक तरीके से वो चीज होती है कि जैसे आपने एक सेल बनाया, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख पाओ, आप उसका 3D मॉडल बना लो, अपने जो भी चीज़ें हैं ना उसका 3D मॉडल, तो उसको कैसे वो रोल कर रहा है, कैसे वो चीज़ें अंदर पास हो रही है, तो एक तरीके से उसके ऊपर है ना एक पूरा मेथड बनाया जा रहा है,
लोगों को दिखाने के लिए, कोई भी पर्पज से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मॉलिकुलर मोटर। इसी के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आईटी एंड कंप्यूटर। सबसे पहले आईटी एंड कंप्यूटर में टॉपिक है हमारा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है जो डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को और अदर फीचर्स को। ठीक है, अदर लोक जैसे कि मून है, अर्थ है, तो उसकी लोकेशंस को, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है। वेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके? पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगन्स एंड अदर डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। लोकेशन के बारे में हम बताते हैं, मतलब वही है कि मून कहाँ है और ये कहाँ है, तो ये सब हम इसको दिखाते हैं। और सैटेलाइट इमेजनरीज दिखाते हैं कि अच्छा देखो साइन, देखो ऐसे घूम रहा है, तो सैटेलाइट। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ क्या है स्पेचुअल, जियो स्पेचुअल टेक्नोलॉजी का? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जीपीएस सिस्टम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, जो आज हम देखते हैं ना जीपीएस की, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना मॉन्यूमेंट है, ये है, जीपीएस सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम कोई भी किसी भी एप्लीकेशन से हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर जीएनएसएस नेविगेशन, अगर हमें जाना है जैसे गूगल मैप है, तो इन सब के अंदर हमें इसके हेल्प मिलती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन पे पोलर्स पे एक सैटेलाइट डाली जाती है, तो उसके थ्रू, उसके अंदर हम इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। लिडार, रेडार, इसके अंदर स्कैनिंग जो होती है उसके अंदर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो एक बेसिकली हमें कोई भी चीज़ को स्कैन करना है और उसका डेटा निकालना है, तो उसके लिए हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी हो गई। अब नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हैज नोटिफाइड अ सिटीजन सेंट्रिक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 जो है वो अभी रिलीज करी है, नोटिफाइड करी है, मतलब रिलीज नहीं करी है, अभी नोटिफाइड करी है उन्होंने। तो इसके एक अंदर क्या विजन है और क्या गोल्स है इसके? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर बनाएंगे ग्लोबल जियो स्पेचुअल स्पेस के अंदर, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है, ये मैपिंग और ये सब, इसके अंदर अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर बनाएंगे। इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाएंगे टू मूव टूवर्ड्स अ डिजिटल इकोनॉमी। एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाएंगे जिससे हम एक डिजिटल इकोनॉमी पे मूव कर पाएँ एंड हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी सर्विसेज को और एनहांस कर पाएँ और बेटर यूटिलाइजेशन, हम डेटा का जो डेटा, हमारे पास जो डेटा है ना उसको हम और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ और हम प्राइवेट सेक्टर को भी हम इसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट कर पाएँ। तो क्या स्ट्रैटेजीज होगी और क्या अप्रोच होगी? तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर लोकली अवेलेबल एंड लोकली रेलिवेंट मैप्स एंड जो भी हमारे, मतलब हम जो इसके अंदर खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमारे खुद के मैप्स बनाएंगे हम लोकली, हम इनको डेवलप करेंगे। इंटीग्रेटेड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क हम बनाएंगे, डेटा एंड इंफॉर्मेटिक्स एंड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरा आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इधर हमने ये डिवाइस लगाना है, यहाँ पे जीपीएस सिस्टम जो भी होगा हमारा खुद का बना हुआ होना चाहिए। इनोवेशन लेकर आएंगे जियो स्पेशल सेक्टर के अंदर और कुछ ओपन स्टैंडर्ड्स, ओपन डेटा और प्लेटफॉर्म्स हम इसके अंदर खोलेंगे। अब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इसके अंदर? तो जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन डेवलपमेंट कमेटी बनेगी नेशनल लेवल पे। ये एक एपेक्स बॉडी होगी जो कि इंप्लीमेंट करेगी, जो भी ये गाइडलाइंस दी गई है ना, जो भी गोल्स हैं, इन पूरी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी कौन है? इस कमेटी है, जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट की। अब ये जो कमेटी है ना, ये रिप्लेस करेगी नेशनल स्पेशल डेटा कमेटी को एंड जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी को। एक नई, दो चीज़ों को रिप्लेस करके एक नई कमेटी बनाई जा रही है। ठीक है, अब रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या आएगा इसके अंदर? तो ये कंटिन्यू नोडल डिपार्टमेंट रहेगा और मेक सुटेबल रिकमेंडेशन, और ये जो है ये जितने भी, जितना भी मतलब, और जो जो हमारा जो हमने ऊपर कमेटी बनाई है ना, ये सारा का सारा जो है डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देता जाएगा। अब हम इसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? जियो स्पेचुअल हमारा जो जियो स्पेचुअल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ठीक है, तो उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे कि GDPDC जो कमेटी है विल डेवलप 14 ग्लोबल जियो स्पेचुअल डेटा थीम्स। ऐसे 14 थीम्स बनाएगी जो कि यूनाइटेड नेशनल स्टैटिस्टिक डिवीजन के द्वारा
रिकॉग्नाइज करी गई हुई हो ऑलरेडी। इट विल ऑल्सो डेवलप सेक्टोरल जियो स्पेचुअल डेटा थीम्स फॉर वेरियस सेक्टर्स, मतलब ये जो थीम्स बनेगी अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनेगी, और एक नेशनल जियो स्पेचुअल डेटा रजिस्ट्री बनेगी जिसके अंदर जो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ना इसके, जितने भी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं या कोई मिनिस्ट्री है, तो सब इसको एक्सेस कर पाएंगे। एक ऐसी रजिस्ट्री बनाई जाएगी, एक यूनिफाइड जियो स्पेचुअल इंटरफेस बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को और उसके सॉल्यूशंस को। मतलब कोई भी मान लो ऐसा इंटरफेस बनाया जाएगा जो कि कंज्यूमर है, जैसे मैं हूँ या आप हो, उसका एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन निकाल लेगा। जैसे कि मान लो मैं जानना चाह रही हूँ दिल्ली, तो मेरे को उसके बारे में कुछ जानना है कि लाइक दिल्ली कैसा है, ये कैसा है, वैसा कैसा है, तो उसको पूरा का पूरा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके देगा हमें। तो एक ऐसा इंटरफेस हम बनाएंगे कि कोई भी कंज्यूमर है वो हर चीज़ को एक्सेस कर पाए, ठीक है, जो भी हमारे कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका सोल्यूशन हम दे पाए, तो उस चीज़ के लिए भी एक इंटरफेस बनाया जाएगा। और सर्वे ऑफ इंडिया किया जाएगा, विल हेल्प इन डेवलपिंग NDR एंड UGI इन कोलैबोरेशन विद भास्करचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स अंडर MITI प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा। पूरा इंडिया का इसके थ्रू सर्वे किया जा सकेगा, ठीक है, और करा जा सकेगा। फिर इसके बाद में हम मैपिंग करेंगे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम कैसे कहाँ पर मैप करें, कहाँ पे GPS सिस्टम रखें, कहाँ पे हम इसका सेंटर रखें, कहाँ पे इसकी हम कम्युनिटी रखें, तो ये सारी चीज़ हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और ये किस पॉलिसी के तहत होगा, नेशनल मैप पॉलिसी 2005 के तहत होगा। और जियो स्पेचुअल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा विल बी एनेबल्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ जियो स्पेचुअल डेटा विद फोर्थ इंडस्ट्रियल डेटा, जो भी हमारी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज हैं, इन सब चीज़ों हम हमारे GPS सिस्टम को हम सब चीज़ों के साथ इंटीग्रेट करेंगे। 4D होगी, प्रिंटिंग हो गई, या चाहे ML हो गया, AI हो गया, हमारा डीप लर्निंग हो गया, इन सब के साथ हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जियो स्पेचुअल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे भी, जो यहाँ पे वर्कर्स लगेंगे ना ये सारी चीज़ों में, ये प्रॉपरली स्किल्ड होंगे, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, और कुछ इंस्टीट्यूशन जो है उनको डेवलप किया जाएगा कि लोगों के अंदर स्किल भरी जाए, इन यहाँ पे इन सेंटर्स में लोगों को स्किलफुल बनाया जाएगा, ठीक है। और जियो स्पेचुअल इंडस्ट्रियल बोर्ड बनाया जाएगा, ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी, जो भी हमारी कमेटी थी उसको एडवाइस करने का काम करेगी ये। तो एक तरीके से उसका एक होलिस्टिकली उसको उसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हेड, नोज, सब कुछ आसपास देने की कोशिश करें कि इस एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से होलिस्टिकली डेवलप किया जाए, उसके स्किल डेवलपमेंट पे वर्क किया जा सके, उसके मैपिंग पे वर्क किया जा सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया जा सके। तो एक होलिस्टिकली व्यू ही हमने बनाया। एक टर्म है डिजिटल ट्विन, ये क्या होता है, एक तरीके से एक वर्चुअल रेप्लिका होता है, कोई भी फिजिकल एसेट का एक वर्चुअल रेप्लिका। जैसे आपका सोफा है ना, तो उसका एक वर्चुअली अपन ने एक सोफा बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल ट्विन, ठीक है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, बस एक टर्म को आप समझ लीजिए। आप कोई भी आपकी फिजिकल चीज को आप डिजिटली अगर इमेजिन कर पा रहे हैं, दैट इज अ डिजिटल ट्विन, ठीक है। सो बिगिन इतना, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। थैंक यू।